अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में नए समीकरण, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने हैं चुनौतियां। कांग्रेस के सामने है साख बचाने की चुनौती, बीजेपी के सामने खुद को साबित करने की चुनौती। समीकरणों के होते फेरबदल से दोनों दल परेशान, नोटा का सोटा भी कर सकता है इस बार हमला। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। दोनों पार्टियों के सामने जीत को लेकर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती वोटों के अंतर को बांटना तो कांग्रेस के सामने बढ़त वाले वोटों को बरकरार रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी को जीत के लिए 4.15 लाख वोटों के अंतर को खत्म करना होगा, वहीं कांग्रेस को जीत के बड़े अंतर को बरकरार रखना होगा। दरअसल 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने बंपर जीत हासिल की थी। 28 सीटों में से कांग्रेस ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी। केवल एक सीट पर ही बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस के सामने अपनी सभी सीटों को बचाने की चुनौती है। बीजेपी एक सीट से आगे बढ़ने का पूरा प्लान बना रही है। 2018 में 22 में से 20 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। 22 में से 20 सीटों पर जीत और हार का अंतर 10% से कम रहा था। दल बदल के चलते अब बीजेपी और कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। वोटों के अंतर को कम करने और वोट प्रतिशत बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है। ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की हालत पहले से ही खराब दिख रही है। ऐसे में शहरी इलाकों में वोट प्रतिशत बढ़ाने में बीजेपी जुटी है। कांग्रेस ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की बगावत को भुनाने में लगी है। ग्रामीण आदिवासी और पिछड़ा क्षेत्र पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बीजेपी नए वोटर्स को जोड़ने की कवायद में भी पुरजोर तरीके से लगी है। इस बार ग्वालियर क्षेत्र पर बीजेपी सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। बीजेपी को 2018 के चुनाव में ग्वालियर से ही तगड़ा झटका लगा था। कांग्रेस वोट प्रतिशत बरकरार रखने के लिए परंपरागत वोटर्स साधने में लगी है। कांग्रेस ग्रामीण आदिवासी और झुग्गी बस्तियों में सक्रिय दिखाई दे रही है। ग्वालियर चंबल इलाके में शहरी और ग्रामीण मतदाताओं पर पार्टी की नजर है। 2018 में कांग्रेस ग्वालियर और चंबल विजय के बूते सत्ता पर काबिज हुई थी। अब देखना यह है कि कांग्रेस और बीजेपी की कवायद में किसे फायदा मिलता है और किसका नुकसान होता है। फिलहाल तो हार जीत के समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है और किसकी कोशिश रंग लाएगी वो आने वाले चुनावी नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।